हेलो डियर वंस, आज हम बात करने वाले हैं कि आपने गांव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, गलियों में देखा होगा, आपने कुत्ता देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा जब एक गांव का कुत्ता दूसरे गांव में प्रवेश करता है, दूसरे गांव में एंट्री ले लेता है, तो उस पर बहुत सारा जो कुत्तों की मिलिट्री होती है, बटालियन होती है, उस पर टूट पड़ती है। अब बेचारा जो दूसरे गाँव से आया हुआ कुत्ता है वो दुम दबा के भाग लेता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि दूसरे क्षेत्र का आया हुआ कुत्ता, दूसरे गली का आया हुआ कुत्ता उस गली से भगा दिया जाता है, उसका क्या कारण होता है? तो देखिए, ये सब जो गेम होता है, ये सब जो खेल होता है, ये फेरोमोन्स का होता है। फेरोमोन्स क्या है आखिर, इसको जानना है तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फेरोमोन्स क्या है। देखिए, आप सभी जानते होंगे हार्मोन्स, आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में स्रावित होने वाला एक ऐसा रसायन है जो हमारे ब्लड में जा करके मिल करके हमारी क्रियाओं को इंक्रीज कराता है या क्रिया को सक्रिय करा देता है, हमारी क्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे मुस्कुराना, दौड़ना, कूदना, चिल्लाना और तनाव में आना, ये सभी हमारी हार्मोनल एक्टिविटी होती है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रकार का रसायन होता है जो जानवरों के शरीर से बाहर की ओर निकलता है और ये ब्लड में ना जा करके वातावरण में स्रावित होता है। तो ऐसे रसायन को हम फेरोमोन्स कहते हैं। चींटी भी फेरोमोन स्रावित करती है, मधुमक्खी भी फेरोमोन स्रावित करता है, हम लोग भी फेरोमोन स्रावित करते हैं और कुत्ते भी फेरोमोन स्रावित करते हैं। देखिए, यही कारण होता है कुत्ते हमेशा ऊंची जगहों पर ही टॉयलेट करते हैं। कुत्ते हमेशा इसीलिए हमेशा ऊंची जगहों पर ही टॉयलेट करते हैं। उसका क्या कारण होता है? देखिए, जब किसी जो कुत्ते होते हैं उनके यूरिन में फेरोमोन्स होता है और वो ऊंची जगह पे टॉयलेट इसीलिए कर देते हैं और वो बताते हैं, वो एक प्रकार से बाउंड्री बना देते हैं, वो एक प्रकार से कह सकते हैं बॉर्डर बनाते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्षेत्र है। अब जब उस क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो फेरोमोन्स को, अब आप लोग नहीं जान पाएंगे कि ये कुत्ते के द्वारा फेरोमोन्स जो छोड़ा गया वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब दूसरे क्षेत्र का कुत्ता आता है तो वो भी क्या करता है कि टॉयलेट करेगा और वो भी ऊंची जगह पे टॉयलेट करेगा और अपने फेरोमोन्स को छोड़ेगा और बताएगा कि नहीं, ये क्षेत्र हमारा है। और जब कभी आमने सामने कुत्ते आ जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये फेरोमोन्स जो है इस कुत्ते का है और दोनों में जो है क्या होता है, फिर जो है लड़ाई हो जाती है कि आप हमारे क्षेत्र में कैसे आ गए, आप हमारे क्षेत्र में कैसे आ गए। तो देखिए, अब दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी कुछ कपड़ों को देख करके कुत्ते किसी को दौड़ा लेते हैं, कभी कभी कुछ कुत्ते जो होते हैं वो किसी गाड़ी को दौड़ा लेते हैं। देखिए, कुछ कुत्ते को जो होते हैं वो उनकी एक हैबिट बन जाती है, लेकिन शुरुआत में ये हैबिट बनती कैसी है इसको जानना है तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी खड़ी किया, चाहे वो कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, अब कोई गली से टहलता हुआ कुत्ता आ गया, अब उसने क्या करा, आपकी गाड़ी पे, आपकी साइकिल पे जो है टॉयलेट कर लिया कुत्ते ने, भाई टांग उठा के कुत्ते ने टॉयलेट कर लिया। अब आप साइकिल लेके चले गए दूसरे क्षेत्र में चले गए भाई, अब वहाँ पर जो है क्या होगा, जब आप साइकिल से निकलोगे तो दूसरे क्षेत्र में पहुँचे, अब दूसरे क्षेत्र का कुत्ता कहेगा कि अरे ये फेरोमोन्स यहाँ पर कैसे, ये तो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा आधिपत्य है। तो क्या करेगा वो, आपको दौड़ाएगा कि भाई यहाँ पर कैसे ये फेरोमोन्स ले आए दूसरे कुत्ते पर, ये आधिपत्य हमारा है। तो इसलिए कुत्ते दौड़ाते रहते, धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है, फिर वो प्रत्येक गाड़ी को दौड़ाते हैं।